सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो यार आज के जैसे हम लास्ट वीडियो में बात कर ली थी कि कॉनिक सेक्शंस के बारे में बात कर ली थी, और उससे पहले मैंने बात की थी वेक्टर्स और 3D के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपने पढ़ा होगा, और चीज़ों के अंदर बस साथ साथ में पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, जल्दी जल्दी इसको खत्म भी करना हमको है। ठीक है, तो आज की जो हमारे पास सेम आप राइट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेपर के ऊपर जो भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ आ रहा है, और कॉपी और पेन निकाल लो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता जा रहा हूँ लिखते चलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर एक यूनिट है पूरी, इसको कवर करते हैं। देखो मैट्रिक्स के अंदर पहले बात करूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे जो है इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन के बाद हमको दिख रहा होगा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर लिख रखा था इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हर एक नोट्स के अंदर मैंने लिख रखा है टॉपिक जो इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिख रखा है। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास मिल जाएगी, स्पेशल के अंदर रो मैट्रिक्स आती है, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक है जो कि एज इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है। यहाँ पर उसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वलिटी एलजेब्रा मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर बस कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है नहीं करती है, वो सब चीज़ देखनी होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में कैसे क्या होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वो हर एक प्रॉपर्टीज हमको मुंह पे याद होनी चाहिए, एकदम फिंगर टिप से याद होनी चाहिए हर एक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रॉपर्टीज है कि ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एन प्लस एन सिंबल, ये चीजें पता होनी चाहिए, बस एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है ना, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छा यहाँ पर एक आता है नंबर 11 जो आपको दिख रहा होगा जो है स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्पेशल मैट्रिक्स क्या पता है, स्पेशल क्या होती है, स्पेशल मतलब होता है कि कुछ चार से पांच आपको देखे स्पेशल मैट्रिक्स दे रखी है जो कि अपने कोर्स के अंदर मेंशन नहीं कर रखी थी, पर तो ही मैंने यहाँ पर लगा रखी है। कुछ एडवांस टाइप आपको पढ़ सकते हो और वैसे इसको ध्यान में रख सकते हो, ज्यादा है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है जैसे। ठीक है, कुछ जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है उसकी मैंने डेफिनेशन दे रखी है, तो आप उसको पढ़ लेना स्पेशल मैट्रिक्स कौन कौन सी होगी। पहले जो हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, फिर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इनके अंदर कुछ कुछ एक दो पॉइंट है, पढ़ लेना जो कभी भी काम आ सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो ही गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चेंजिंग रो एंड कॉलम। ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकाला जाता है हमको आना चाहिए, माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज होता है, माइनस साइन और प्लस साइन के बीच में कैलकुलेशन ढंग से होनी चाहिए, बिना कैलकुलेशन के काम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो इसकी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बहुत ढंग से आपको हर एक चीज डिटेल में यार ले रखी है यहाँ पर, जो भी काम की चीजें ना सब कुछ आपको दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स नंबर 14 जो है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है बॉक्स में। प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स क्या होती है वो भी आपको दे रखा है 15 नंबर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, इसके अंदर आता है गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें पूरी एक देर का कि आपको पूरा एक टेबल बना के हम जो फॉर्मूला निकालते हैं एक्स इजिकल टू इनवर्स बी, इसमें इनवर्स भी काम आता है, ट्रांसपोज भी काम आता है, सब कुछ काम आता है इसमें। ठीक है, जो भी हमको देना होगा कि कौन सा यूनिक सोल्यूशन होता है, कंसिस्टेंसी कहाँ होता है, इन्फिनिट सोल्यूशन कहाँ होता है, कहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, ये सब कुछ एक कंडीशन आकर डायरेक्ट पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनको, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये बात क्लियर है, तो ये तो कुछ था मैट्रिक्स के बारे में, इतना ही था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए। इस बारे में बात करते हैं जो है डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स के अंदर जो पहला जो कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे रखा होगा, कुछ सेरस डायग्राम आपको दे रखा है फॉर 3x3 मैट्रिक्स के अंदर, इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे। सेकंड नंबर माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, जो भी ने पहले बात कर ली थी उसमें ही कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं उनको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो है इसके जस्ट बाद जो है वो है सिस्टम, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल ईजी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाता है, बस ध्यान रखनी चाहिए हर एक प्रॉपर्टीज के अंदर कन्फ्यूज नहीं होना है, हर एक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब प्रॉपर्टीज आ चुकी है इसके अंदर, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस सब आ चुका है, तो हमको सब पता होना चाहिए कि सब डिफरेंशिएशन, जब डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर क्या होता है डिटरमिनेंट के अंदर डिफरेंशिएशन भी आता है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कितने स्टेप के अंदर करते हैं उसको, ये भी सब कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर शामिल कर रखा है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स में काम किया था सेम काम यहाँ भी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, मैंने बात की थी स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, यहाँ पर होता है स्पेशल डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट के अंदर भी स्पेशल टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं पहला आता है साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होता है, सेकंड होता है अदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स के अंदर कुछ कुछ रिजल्ट है, स्पेशल का मतलब क्या है, कुछ कुछ रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, कितनी बार स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे ABC के अंदर दे रखा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे मैंने लिखा है देखो अदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, इसके अंदर सब कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो ABC में दे रखे हैं। अब वो एग्जाम्स के अंदर ABC के अंदर क्या पता कुछ कुछ वैल्यूज आ जाएगी, तो आपको अगर पहचान लोगे दिमाग में अगर क्लिक हो जाएगा वहाँ पर कि स्पेशल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है,
तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे और रिजल्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा बस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 7 नंबर जो इसको बोलते हैं क्रैमर रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नेक्स्ट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन इनकंसिस्टेंट इनवेरिएंट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रैवल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर क्या होती है क्या नहीं होती, टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशन आपको दे रखी, देखो ये बात करो, ये देखो नेक्स्ट पेज पर दे रखा नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो आपको टेबल दे रखी ना चार्ट दे रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह ये सब कुछ, इसमें से एक क्वेश्चन कंडीशन पूछेगा ही पूछेगा कि इसके अंदर मान लो कंसिस्टेंसी है, ट्रैवल सॉल्यूशन है या फिर नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन है, तो बता दो इसकी ए की वैल्यू निकालो या फिर बी की कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, बस कुछ नहीं करना होता, कंडीशन लगानी होती है और आंसर डायरेक्ट निकल जाता है अपने आप, बस बस कंडीशन याद रखो बस, और कुछ नहीं है, फ्री के मार्क्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेट्रो सेटलमेंट्स, मैं जो सीरीज बता रहा हूँ आपको वो पूरे वेटेज जो सबसे ज्यादा वेटेज वही से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बात करी थी वेक्टर और 3D की सबसे ज्यादा वेटेज, उसके बाद मैंने बात करी थी कॉनिक सेक्शंस की, अब बात करो मेट्रो सेटलमेंट की, तो ये सब बड़े बड़े वेटेज वाले चैप्टर्स है, ठीक है। डिटरमिनेंट की कुछ कुछ एप्लीकेशन होती है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री मतलब होता है कि इससे हम एरियाज निकाल सकते हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने वेक्टर में बात की थी कि वेक्टर के अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट से कुछ कुछ तरह के एरियाज निकाल सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, अभी एरिया ऑफ पेडल पाइप निकाला था, ऐसे कुछ कुछ चीजें हमने निकाली थी एरियाज, सेम काम हम डिटरमिनेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम किसी भी लाइन की कॉन्करेंसी बता सकते हैं कि लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है, ये कंडीशन क्या होती है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट अगर लास्ट पेज पर बात करें तो लास्ट पेज पर आपको दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन रिप्रेजेंट, हाँ पेयर ऑफ स्टेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्टेट लाइन हम निकाल सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बोली दिया निकाल सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन बेन पासिंग थ्रू दो पॉइंट, अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो आप डिटरमिन के थ्रू इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन भी निकाल सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, देखो मतलब समझ में आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा यूं हार्ड नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इजी चीजें, पढ़ते रहोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हमको देखते रहने ना इसको यूं घूरते रहेंगे डरते रहेंगे तो नहीं होगा, बस पढ़ के खत्म करो जल्दी से, ठीक है ना, और आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर हम लेने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो बस चलते हैं अभी के लिए इतना ही, और बस ध्यान रखो अपना, डाउनलोड करो जाके, PDF आपको नीचे दे रखी है और सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।